नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएनसी न्यूज। छात्र संघ का चुनाव राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रथम सीढ़ी के रूप में जाना जाता है, इसलिए राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जनपद में भी आज दो कॉलेज, पीजी कॉलेज व स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में आज छात्र संघ चुनाव का नामांकन शुरू हुआ, जो सुबह से आरंभ होकर अपने निर्धारित समय तक चला। इस दौरान नामांकन करने वाले छात्र इस नामांकन में अपना पूरा दमखम दिखलाते नजर आए। कोई लग्जरी गाड़ी से तो कोई वाहनों के काफिले से नामांकन करता नजर आया। वहीं एक छात्र नेता घोड़े पर सवार होकर अपना नामांकन किया। प्रतिबंधी है जो लग्जरी कारों से चलने का काम करते हैं, जो तमाम पैसे वाले हैं, उद्योगपतियों के घर के हैं। हम लोग गरीब प्रत्याशी, हम चाहते हैं कि राजनीति अच्छी राजनीति हो, साफ सुथरी राजनीति हो, इसलिए हम लोग पैदल चलने का काम कर रहे हैं, घोड़े से चलने का। हम लोग संघर्षवादी हैं, संघर्ष करने का काम करते हैं। क्या लगता है किससे आपकी प्रतिद्वंदिता ज़्यादा दिख रही है यहाँ? जी सभी छात्र हैं, छात्र हमारे साथ हैं, हमसे कोई लड़ाई नहीं किसी की, हमें तरफा। राहुल, आप वहीं इस चुनाव में युवतियाँ भी अपना दमखम दिखलाते नजर आ रही हैं और अपनी जीत के बाद कॉलेज की दशा व दिशा बदलने की बात कर रही हैं। हमारी सहायता करें लोग, और पहली बार लड़की खड़ी हुई है, कुछ उम्मीद लेके खड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम बाद खड़े हुए हैं और बीएससी से तो पहली बार खड़े हुए हैं। आखिर छात्र छात्राएं जो आपको ही क्यों चुने, आखिर ऐसे क्या है? क्योंकि हम उन लोग का सुनेंगे, हम छात्र नेताओं को देख चुके हैं कि लड़कियों के जल्दी लोग सुन नहीं रहे या फिर भूल जाते हैं लोग वादे वगैरह करके, तो आज हम खड़े हुए हैं बस इन्हीं सब चीज़ों को लेके खड़े हुए। यदि आपके साथी जो है आपको चुनाव जिता देते हैं, तो उन साथियों के लिए आपके क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकता रहेगी कि उनकी सारी समस्याओं को हम दूर कर सकें। किस तरह की समस्या होती है? जैसे हमारे कॉलेज में हमारे लाइब्रेरीज में बुक्स नहीं है या फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है प्रैक्टिकल लैब में, तो ये सब हम चाहते हैं कि ये सब दूर हो सके। एमएमसी न्यूज के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। हमारी इच्छा है कि सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ने वाले सभी छात्रों की ओर से एक स्वयंसेवी छात्र संगठन का समूह तैयार किया जाए और उनकी लिस्ट तैयार हो। सर कर लीजिए कि जो स्वयंसेवी हमारे छात्र हैं, अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनके ब्लड ग्रुप विधिवत रखे जाएं और गाजीपुर जिले ही नहीं बल्कि बाहर से भी अगर कोई निडी है, इस तरह का आवश्यक है, तो हमारे प्रिंसिपल को वो फोन करे, उनकी सूची उपलब्ध कराए और निःशुल्क रक्तदान का एक कार्यक्रम पूरे देश के स्तर पर ये चलाया जाए। ये हमारी कोशिश है कि रक्तदान जिसे कहा जाता है, वंत तक दान के रूप में ही उस निडी व्यक्ति तक पहुंच जाए।